वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं कोकिया तालाब। अभी मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं, मामा के लड़के हैं। हम सभी जाने वाले हैं कोकिया तालाब, फिर वहाँ का व्यूज दिखाएंगे। अभी तो हम बापू नगर है, बापू नगर से ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आपको रास्ते का सफर दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं कोकिया तालाब जाने के लिए। ऑटो को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है कहीं से, ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई ऑटो खड़ी नहीं रख रहा है। पता नहीं है, हम कोकिया का बोल रहे हैं नाम तो मना कर रहे हैं वो लोग। आप लोग देख सकते हैं मेरी टीम यानी कि मेरे फ्रेंड्स हैं और ये भी मैं हूँ, और हम आगे आपको थोड़ा व्यू दिखाएंगे। और ये मेरा बड़ा भाई है। फाइनली दोस्तों हम ऑटो में बैठ चुके हैं और वहाँ जाके मिलेंगे आप लोगों को, तो हम मिलेंगे रास्ते के सफर के बाद। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोकिया तालाब। अभी दूसरे फ्रेंड गए हैं टिकट लेने के लिए और यदि मैं यहाँ खड़े हैं टिकट लेके आने के बाद हमें एंट्री मिलेगी, इसके अलावा एंट्री नहीं मिल सकती है यहाँ। इसलिए भाई वो बंदे टिकट लेने के लिए यहाँ गए आए, जैसे हम पूछेंगे। फाइनली दोस्तों हमें एंट्री मिल चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, हमारी एंट्री हो चुकी है अंदर। हम लोग देख सकते हैं ये लोग चेक कर रहे हैं कुछ, या कहीं चेकिंग कर रहे हैं कुछ, हम फल निकली कुछ चीज़ें निकली जा रही, इसीलिए मास्क भी लगाना पड़ेगा। मास्क तो हमारे पास है नहीं फिलहाल, हमारे पास माल से। यार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। चेकिंग हो रहा है कुछ आने के लिए, कुछ चीज़ें गुटखा वगैरह नहीं मिल जाता है, इसलिए भैया चेकिंग हो रहा है। चेकिंग भी हो चुका है, हम अंदर घुस गए हैं। यहाँ बैग चेक होती है कुछ, हमारी बैग में कुछ आने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, इसलिए बैग भी चेक करते हैं। कुछ नहीं चेक कर लो, हमारी बैग भी चेक हो चुकी है फाइनली। और यहाँ हमारे हमारे सब्सक्राइब मिले हैं, यदि हमें यहाँ हमारे सब्सक्राइब मिले, आप लोग देख सकते हैं हमें हमारे सब्सक्राइब मिले हैं लॉन्ग टाइम के बाद। और मैं भी अहमदाबाद में कुछ ही दिनों के बाद ही आया हूँ, इसलिए हमें सब्सक्राइब मिले, तो हम इनसे कुछ बातें कर रहे हैं, फिर क्या होता है वो हमें पता नहीं। यही हमारे सब्सक्राइब। करेंगे कुछ वो करेंगे, मज़ा करेंगे। आज मज़े करने के लिए यहाँ आया है, मज़ा ही करेंगे आज आज के दिन में। चलिए फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं और कुछ सीन भी दिखाएंगे हम, और आप लोगों को ये सामने तालाब है। चलो फ्रेंड्स, ये ही है भूत बंगला। यहाँ अंदर कुछ इसकी टिकट है 70 रुपीज़, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं। हम जाना चाहते थे लेकिन भाई हमें भी डर लग रहा है भूतों से, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, सॉरी दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम जाएंगे यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे दो बंदे गए हैं अंदर भूत के बंगले के अंदर, वो यहाँ से आए कि बाहर, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। डर लगता था इसलिए हम गए नहीं अंदर, लेकिन वो जब आए तब इसका शक्ल और इन लोगों का रिएक्शन देखना भाई कैसा होता है, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो जब आएगा ना तब हमें पता चलेगा भाई कैसा रिएक्शन था। हम भी यहाँ सामने खड़े हैं, इन लोगों की वेट कर रहे हैं भाई, जैसे आएगा आप लोगों को रिएक्शन दिखाएंगे। जो भाई अंदर से बाहर आते हैं भाई, इन लोगों का रिएक्शन देखो भाई कैसा होता है। तुम भी आओ भाई, ये हमारा टीम मेट है भाई, ये गया था भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके? बहुत डर लग रहा है इधर तो अंदर तो। अरे भाई बंगला कुछ ऐसा टाइप का है भाई, सभी को डर लगता है।
तो चलो भाई हम कुछ आगे चलते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे कुछ नई नई चीजें। बंदर मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने फोटो शूट भी कर लिया है और हम कुछ अभी गार्डन में जा रहे हैं घूमने के लिए। यहीं से डायरेक्ट गार्डन में जाएंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, हम गार्डन के पास आ गए लेकिन गार्डन अभी ऑफ है तो इसलिए हम जाने नहीं मिलेगा और इसलिए हम नहीं जा पाएंगे गार्डन में। और चलो और जगह पे घूमेंगे। फिर यहाँ कुछ साइकिलें पड़ी हैं, साइकिल की ₹20 कुछ वेट टेप्स की टिकट्स हैं, हम चलाने का मौका मिलेंगे मिलेगी तो फाइनली ज़रूर हम चलाएंगे इस साइकिल को। कुछ ₹20 या ₹10 इसकी टिकट है। हाँ जी, फिर हम चलते हैं आगे। हमारी किस्मत यार ख़राब है पता नहीं, क्योंकि गार्डन भी बंद है और ये साइकिल वाला चीज़ भी बंद है, टिकट विकेट कुछ भी आज नहीं है भाई। हमारा किस्मत ही शायद ख़राब है इसीलिए, तो यार कुछ मूड ही वापस हो चुका है, क्या करें यार। जहाँ जा रहे हो सभी जगह ऑफ ही है यार अभी तो फिलहाल। हेलो दोस्तों, मैं पानी की बोतल लेके आया था, इन लोगों ने सारी ख़त्म कर दी पानी की बोतल। भाई आपको तरस लगी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पानी वानी नहीं मिल रहा है यार। पानी की बोतल हम दो लेके आया था लेकिन हमें एक भी नहीं मिली। चले ये दोनों पी गए सारी, दोनों बोतल ये खाली कर दी इन लोगों ने। हमने नहीं पिए। तो भाई किसने पी भाई, तूने? हमने नहीं पी, आपने ही खाली कर दी। नहीं यार, मेरी बैग में एक बोतल थी, आपको दिखाता हूँ इसमें कितना पानी है, खाली कर दी इन लोगों ने। लेकर वो आया था, दोनों मिलकर खाली कर दिया की बोतल को। चलो दोस्तों, हम अभी शायद नाइट यहाँ 8 बज जाएंगे तो आप लोगों को नाइट का भी व्यूज़ दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ तगड़ा व्यूज़ होगा नाइट का भी, इसीलिए भाई बहुत मज़ा आने वाली है नाइट का व्यूज़ देखने। वैसे तो इसी तरफ की भाई व्यूज़ होगी यहाँ, और यहाँ दूसरे फ्रेंडों से हम मिल रहे हैं भी यार, कुछ फ्रेंड मिले अहमदाबाद में, इसीलिए भाई लॉन्ग टाइम के बाद किसी से मिलना तो भाई हमारे लिए कहाँ मिलता है। मिलते हैं इन लोगों सभी से, फिर बातें करते हैं आगे जाके। फाइन दोस्तों, अभी नाइट होने लगी है और नाइट का व्यूज़ देखो यार, यहाँ सभी जगह लाइट ही लाइट है पूरे तालाब में। अभी तो इतनी ज़्यादा लाइट हुई नहीं है, फिर भी अच्छा व्यूज़ दिख रहा है यहाँ। हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर भाई। कब से हम घूम रहे हैं यहाँ और अब पूरे थक चुके हैं, तो अब फिर डिनर करना है, भूख लगी है, तो हम डायरेक्टली अब जाएंगे घर। बहुत टाइम हमें यहाँ गुजारा है भाई, मज़ा भी आई है इतनी ज़्यादा, नहीं आई ऐसी नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आई है आज। और यहाँ की लाइटिंग भाई, लाइट भी अच्छा है यहाँ, मज़ा आती है। हेलो, ये नाइट का व्यूज़ है, बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ नाइट का व्यूज़ भाई, एक नंबर है व्यूज़ नाइट का, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है नाइट का व्यूज़ भाई। आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका भाई यहाँ, और नाइट का व्यूज़ तो और बढ़िया है यहाँ का भाई, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ सुकून मिला भाई नाइट में। और अभी जा रहे हैं हम घर जा रहे हैं, और फिलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा किया आज मैंने और मेरे दोस्तों ने, मेरे ब्रदर ने, और मज़ा आ चुका भैया लोग आज तो बहुत तगड़ा मज़ा किया है भाई पूरा। हम आए थे यहाँ LRD की एग्ज़ाम देने के बाद, आए थे हम यहाँ LRD की एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देने के बाद हम निकल पड़े घूमने और फिरने के लिए, तो भाई आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। और हमारे जो मेरे साथ हैं वो सभी लोग आगे जा रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे हूँ, और आप लोगों को नाइट का व्यूज़ और दिखाता हूँ कि कैसा है पूरा व्यू। पूरी यहाँ पूरी लाइटें अलग अलग होती रहती है, छत्ती 3 प्रकार की लाइटें हैं यहाँ,
लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है भाई। भैया इसमें बैठना था लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी भाई हम बैठ नहीं पाए यहाँ, बहुत टाइम वेट किया लेकिन ये सब लोग घूमने के लिए चले गए थे भाई। ऐसी बात नहीं है, पैसे वैसे तो थे लेकिन तो समस्या कुछ ऐसी थी यार, कर नहीं पाए यार, सभी लोग अलग अलग थे यार, इसलिए हम ना जा पाए। ऐसे तो थे भाई, ऐसा नहीं है भाई। वो हमारे दूसरे दोस्तों तीन लोग वहाँ जा रहे हैं, तो एक यहाँ रहा और दूसरे पीछे हैं, तो अभी हम सभी लोग घर जा रहे हैं। हमें एक अभी ये चीज़ दिखने मिली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, इसमें पंखे हैं दोनों, लग रहा बहुत तगड़ा, मज़ा आ गया भाई। भैया नाइट का व्यूज़ बहुत बढ़िया हैं आप लोग देख सकते, और यहाँ सभी अलग अलग कलर्स की लाइट हो रही है, 3 प्रकार के कलर्स की लाइट है, वाइट, रेड और ब्लू, 3 प्रकार की कलर्स की लाइट है यहाँ भाई। यहाँ नाइट में फ़ोटोशूट किया होता तो बहुत बढ़िया दिखने में, और भाई क्या है बोला यार, मज़े मज़े ही यार। हेलो फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं घर, और भाई आज तो पूरा दिन घूमे हैं यहाँ पोखरिया तालाब में, और भाई अब थक चुके हैं यार, चलने की भी बहुत चीज़ अब नहीं हो सकती है यार, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, थक चुके हैं आज पूरे दिन की। और अभी सामने गेट है, वहाँ से हम निकल रहे हैं घर, और पूरी नाइट हो तो ट्रैवलिंग करना है, और घर कब पहुँचेगा वो तो पता नहीं है, अभी डिनर करना है, फिर आप लोगों को बाद में मिलेंगे। फिर क्या करना है। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, अभी यार गीता मंदिर से चल के आया यहाँ तक, यार आज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक मेरा भाई है और एक मेरा फ्रेंड्स है, हम सब लोग रेलवे स्टेशन पे अभी हैं और वहाँ जा रही है रेलवे, हमें टिकट बुकिंग करानी है, इसलिए भाई हम पहली बार रेलवे स्टेशन यहाँ अहमदाबाद में आए, एक बार आए थे लेकिन हमें टिकट नहीं ली क्योंकि हम जो पालूपुर से यहाँ तक आए थे, इसलिए भाई ये लोग अहमदाबाद का यूज़ हैं रेलवे स्टेशन का। अभी हमें जाना है, फिलहाल पानीपुर जाना है, और कोई ट्रेन मिल जाए तो सही है यार, बस की बहुत ज़्यादा हमने वेट की लेकिन फिलहाल भी बस हमें ना मिली, इसीलिए भाई अब हम आ चुके हैं ट्रेन में, और पूरा दिन भाई आज थक चुके हैं, हम आए थे एलआरडी की एग्ज़ाम देने के लिए, भाई आज कुछ कर ना पाए यार, एग्ज़ाम तो अच्छी गई है लेकिन फिर थोड़ा पेपर हार्ड था, इसलिए फिर भी हम कुछ करते हैं आज, घर पर तो जाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा देर हो चुके हैं, और अभी के बच्ची के शायद 9 घंटे हो चुके हैं, 10 या 11 बज चुके हैं, और हमें टिकट बुकिंग करानी है अभी यार, टिकट भी कहाँ मिलती है हमें पता नहीं है यार, इसलिए हम कुछ आगे जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हमें ट्रेन मिल चुकी है, और अभी हम डायरेक्ट निकले हुए पालनपुर निकले हैं, और भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अभी के बजे हैं 12 बजे हैं, और अभी ट्रेन मिल चुके हैं तो डायरेक्टली पालनपुर लैंड हो गए, फिर अपना रूम पे जाएंगे। भाई पूरा थक चुके हैं आज पूरा दिन, और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, मिलेंगे डायरेक्टन के बाद, रेडी हो चुके हैं, बंद बैठेंगे सीखना बीते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ हमें आना था, वहाँ आ चुके हैं पालनपुर में, हम भाई ट्रेन में से निकल चुके हैं, अब डायरेक्ट ट्रेन से आएंगे अपने रूम पे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी, आप सभी की शक्ल देखो अभी कैसी है, फ्रेंड्स सब डायरेक्ट अपने रूम पे चलते हैं, और भूख भी आ रही है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो हम यहाँ उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने रूम्स पे, यही ट्रेन हमारी जिस ट्रेन में हम आए थे वो ट्रेन है। भाई आज पूरा दिन यार थक चुके हैं यार, कितने, एक तो 4 या 5 घंटे हमने ट्रैवलिंग किया, और पूरा दिन घूमे, एग्ज़ाम दी, फिर अब भाई बहुत ज़्यादा
थक चुके हैं, जैसे जाके भाई सो ही जाना है भाई, और कुछ भी करना नहीं है।